एवरीवन, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ एक क्लेंजिंग मिल का रिव्यू। और वो जो क्लेंजिंग मिल का जिसका मैं रिव्यू आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो है ये न्यू आयुर हर्बल्स का डीपर क्लेंजिंग मिल्क का रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो अपना रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जैसे देख सकते हैं एक बहुत छोटी सी टिनी मिनी सी बॉटल है जो कि यू नो मेरे हैंड साइज की है। और इसका जो इसके ऊपर लिखा है, इसकी जो पैकेजिंग है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है और इसके ऊपर कोई भी कार्डबोर्ड बॉक्स नहीं आता और जस्ट सिमिलर इसकी कुछ इसी तरह की पैकेजिंग है। और आप इस पर देख सकते हैं कि इसके ऊपर लिखा है आयुर हर्बल्स डीपर क्लेंजिंग मिल्क एनरिच्ड विद एलोवेरा रोज एंड कुकुम्बर। सो ये जो क्लेंजिंग मिल्क है ये रोज वाटर और कुकुम्बर और एलोवेरा में बना हुआ है। इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो इंग्रेडिएंट ये हैं, ये सब इसमें दिए हुए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पर लिखा है फॉर ऑल स्किन टाइप। तो आप अगर कोई से भी स्किन टाइप के हो तो आप इसको यूज कर सकते हो। और ये पीएच बैलेंस है तो ये हर स्किन के ऊपर सूट करेगा। सो इसमें ऐसा दिया हुआ है। और इसकी जो पैकेजिंग है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है और आप देख सकते हैं ऐसी एक टिकटॉक बॉटल आपको यहाँ दी हुई है। और यहाँ पर एक इस तरह का यहाँ पर आपको इस पे एक सील दी हुई होती है जिसको आपको ओपन करना होता है, देन आप इसको इजीली ओपन कर सकते हैं। सो ये कुछ इस तरह की इसकी बॉटल की पैकेजिंग है। और ये कुछ व्हाइट कलर का इसके अंदर जो भी आपको प्रोडक्ट रिसीव हो रहा है ये व्हाइट कलर का इसके अंदर प्रोडक्ट है। जो भी क्रीम फॉर्म में प्रोडक्ट है ये व्हाइट कलर का प्रोडक्ट है। सो इसके हम पीछे बैक साइड की बात करते हैं तो बैक साइड में यहाँ पर भी दिया हुआ है आयुर हर्बल्स डीप पोर क्लेंजिंग मिल्क एलोवेरा रोज एंड कुकुम्बर। सो यहाँ पे पीछे इसकी सारी चीजें मेंशन की गई हैं कि इसके पीछे क्या क्या दिया हुआ है। सो इसके अंदर ये एक क्लेंजर है जो कि आप डेली बेसिस में अपने फेस पे से अगर आपके फेस पे कोई भी मेकअप है, डर्ट है या अदर कोई पॉल्यूशन है, अगर आपके फेस पे कोई भी इम्प्योरिटीज है फेस पे तो उसको रिमूव करने में आप इसको यूज कर सकते हो। आप चाहें तो इसे डेली बेसिस पे भी यूज कर सकते हैं। सो इसके अंदर काफ़ी सारे यू नो इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। तो इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे हैं एक्वा पैराफिन लिक्विडियम और मैनी मोर, खूब बहुत सारे इसके अंदर यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स मेंशन किए हुए हैं। प्लस इसके अंदर आप देख सकते हैं ऑलिव ऑयल भी है, विटामिन ई भी है और एलोवेरा एक्सट्रैक्ट भी है। सो इसके अंदर काफ़ी सारे यू नो मेंशन किए गए हैं, जो इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर हैं वो काफ़ी सारे हैं। बट इसमें आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर पैराबिन भी, प्रोपाइल पैराबिन और मिथाइल पैराबिन का भी यूज़ किया गया है जो कि इसका बहुत ज़्यादा डाउन साइड है। सो इसका डाउन साइड यही है। एंड देन इसके बाद इसका जो प्राइस है, ये बहुत टिनी मिनी सी बॉटल है, इसका जो प्राइस है जस्ट 50 रुपीज़ है जो कि आप इजीली अफोर्ड कर सकते हो क्योंकि क्लेंजिंग मिल्क जो है आपको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करना होता फेस पे। आप इसको वीक में 2 बार यूज़ कर सकते हैं। एंड देन इसके बाद यहाँ पर मेंशन की हुई है सारी चीज़ें। सो जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो है 5/2017 और आप इसको यूज़ कर सकते हैं बिफोर 5/2020 से पहले आपको इसको यूज़ करना है। 50 रुपीज़ में आपको जो नेट क्वांटिटी मिल रही है इस प्रोडक्ट की वो है 100 ml की क्वांटिटी यहाँ पर आपको मिल रही है। और ये जो है प्रोडक्ट है ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। सो ये कुछ इस तरह की बॉटल है, आप देख सकते हैं पैकेजिंग इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी हार्ड बॉटल है और प्लस इसकी जो पैकेजिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी टाइट लॉक सिस्टम है जिससे कि अगर आपकी बॉटल कई बार गिरती भी है तो ये टूटेगी भी नहीं क्योंकि प्लास्टिक बॉटल है। और प्लस ये ओपन भी नहीं होगी आसानी से इजली गिरने पर, जिससे का आपको कोई ज़्यादा डरने की बात नहीं है। सो ये प्रोडक्ट कुछ इस तरह का है। तो अब हम इसका यू नो कंसिस्टेंसी टेस्ट कर लेते हैं कि कैसा है ये प्रोडक्ट, कैसा है इसके अंदर का। सो इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा वाटरी कंसिस्टेंसी है और ईजिली आप इसको अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपको कोई वाटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आप लोगों को इस प्रोडक्ट का ये रिव्यू, टिनी मिनी सा रिव्यू पसंद आया होगा। और अगर आप देखना चाहते हैं कि इसको फेस पे यूज़ कैसे करना है सो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल भी है और आप इसको ईजिली बाय कर सकते हैं। बट मैंने इसको पहले भी यूज़ किया हुआ है तो बस जस्ट मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर आप ड्राई स्किन के हैं, ड्राई स्किन टाइप हैं तो आपके फेस पे थोड़ी सी इरिटेशन कर सकता है, अदरवाइज ये ऑल स्किन टाइप के लिए काफ़ी अच्छा है क्योंकि मैंने इसको यूज़ किया हुआ है तो मेरी ड्राई स्किन टाइप है तो थोड़ा सा जो है
ये प्रोडक्ट थोड़ा इरिटेट करता है, बट अदरवाइज ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो मेक श्योर आप कर सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक एंड अपने फ्रेंड्स से शेयर। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।